कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी एकजुटता की कवायद के तहत शुक्रवार को कई प्रमुख विपक्षी नेताओं के साथ ऑनलाइन बैठक की। इस बैठक में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बैठक के जरिए विपक्षी दलों को एकजुट कर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई को धार देने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर ही केंद्र सरकार की गलत नीतियों से मुकाबला कर सकेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मांग रखी कि कोरोना महामारी को भारत सरकार नेशनल डिजास्टर घोषित करे। इतनी बड़ी आपदा को केंद्र सरकार अब तक राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रही है, ये बात समझ से परे है। हम सभी को इसकी मांग करनी चाहिए। इस महामारी में जितने लोगों की जान गई है उन्हें केंद्र सरकार मुआवजा दे। जिन लोगों ने जीवन बचाने के लिए जमीन, जायदाद, गहने इत्यादि बेचकर इलाज कराया है, उनके जीवन यापन के लिए एक रुपया भी नहीं बचा है। उनका आने वाला भविष्य कैसे सुरक्षित हो, ये चिंतनीय विषय है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।